ओके hmm. सो okay. so, हम लोग आज हमारा कौन सा नंबर क्लास है चार नंबर क्लास है राइट ठीक है ऑनलाइन में सबको मेरा वॉइस आ रहा है ठीक है ओके चलो तो हमने सबसे पहले अपना जो चालू किया

हमने देखा जीरो कूपन बॉन्ड तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या था अपना जीरो कूपन बॉन्ड में रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता है एक बार में पूरा ब्याज मिलेगा ठीक है उसके लिए हमने डिस्काउंट रिलेटेड टर्म समझे सिंपल डिस्काउंट में क्या था एवी वन माइनस एनडी कंपाउंड डिस्काउंट में वन माइनस डी टू दी पार एन ठीक है उसके बाद में हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड राइट right? एंड हमने गोल्डन रूल सीखा दैट अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर वी छोटा वी ठीक है दो साल का वी स्क्वायर हमने ये भी सीखा फैक्टर मेथड जब एक साल पैसा को आगे लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई ठीक है ना और जब पीछे लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं डिवाइड जब आगे लेके जा रहे हैं तो फैक्टर से मल्टीप्लाई 1.1, 1.1 स्क्वायर क्यूब टू दी पार फोर फाइव और जब पीछे लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं डिवाइड इज इट क्लियर हाँ यहाँ तक कोई भी दिक्कत ठीक है ये सब एकदम पूरा अपने को पूरा क्लियर है राइट उसके बाद हम लोग देखे कि बैंक में जो प्रोडक्ट्स जो फ्लोट होते हैं वो हमेशा सेम टाइम पीरियड के हो ऐसा जरूरी नहीं है एनुअल हो ऐसा जरूरी नहीं है अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं राइट तो हमने ये देखा क्या देखा बताओ तो कि अगर मान लो कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट अपने को दे दे तो अपने कोई भी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रेट या ए डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं उसका एक मोस्ट जनरल फॉर्मूला हमने सीखा था वन प्लस आईपी बाई पी होल्ड टू दावर पी इज वॉट वन बाय वन माइनस डी पी बाय पी होल्ड टू दावर पी मेरा क्वेश्चन ये है वॉट इज d2? टू नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट कन्वर्टेबल हाफ ईयरली वाई हाफ ईयरली क्योंकि इसको इजीली डिवाइड बाय टू करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट पर हाफ ईयर है ना मेरे को एक और चीज बता दो बस वन प्लस आई फोर बाय ये क्या है ये बता दो मेरे को दिस इज वॉट आई फोर इज वॉट इफेक्टिव रेट फॉर अ क्वार्टर वन प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा फैक्टर फैक्टर फॉर वन क्वार्टर पावर फोर करेंगे तो वन ईयर क्लियर हो रहा है ये सब चीज़? ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जब इतना ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है कि अब उसको में प्लॉट करना इज इम्पॉसिबल इतना ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा है कि अब उसको टाइमलाइन पे प्लॉट करना इज इंपॉसिबल तो आपने देखिए क्या हो रहा है जो पी है पी पी मतलब क्या पी मतलब क्या

तो उस केस में क्या होगा बताओ फोर्स ऑफ इंटरेस्ट में अपने क्या बनाए थे एन ईयर्स्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनाए थे? थे? थे e टू पावर डेल्टा एन एंड एन ईयर्स का डिस्काउंट फैक्टर अपने बनाए थे e टू पावर माइनस डेल्टा एन ठीक है ना तो so ये अपना बन जा रहा है A, 0, n और ये अपना बन जा रहा है वी जीरो एन ठीक है इज इट क्लियर बोलो हां कि ना ठीक है तो ये तो अपना ठीक हो गया इसके बाद में हमने क्या देखे हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहे इंटरेस्ट रेट कैन चेंज इंटरेस्ट रेट कैन चेंज राइट तो फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अब कांस्टेंट नहीं है वो क्या हो गया है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट अब कांस्टेंट नहीं है वो क्या हो गया है अब वो टाइम टी का एक फंक्शन हो गया है इसीलिए अपने क्या बोले थे डेल्टा टी डेल्टा टी का मतलब क्या होता है फोर्स ऑफ इंटरेस्ट एज फंक्शन ऑफ टाइम टी डेल्टा टी ठीक है ना तो आपने क्या किए थे फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग को एक्सपोनेशियल इंटीग्रेशन जीरो टू एन डेल्टा टी डी टी आपने एक और चीज देखे थे क्या देखे थे अपने याद करो अपने कल और एक चीज किए थे जनरलाइज एक्सप्रेशन उसमें क्या हो रहा है बार बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा एक बार इंटीग्रेट बार -बार करेंगे और राइट आ, राइट आ, आ पेमेंट स्ट्रीम में आपने क्या देखे थे रोटी इज रोटी इज द रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, रो टी? रो टी मान लेतेट करना है तो एक्सपोनेंशियल टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है उसको एन पर लेके जा रहे हैं या फिर मान लो बी पर लेके जा रहे हैं कुछ भी समझ लो बी पर लेके जा रहे हैं डेल्टा एस क्योंकि लिमिट्स में टी है डी एस और यहां पर बाहर में मान लो ए टू बी सो डी टी ठीक है ना तो ये सबसे पहले ये समझो कि ये क्या है ये क्या है ये अंदर वाला पार्ट क्या है दिस इज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ अ पेमेंट ज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ अ पेमेंट विच इज है कहा लेके जा रहे हैं बी पर लेके जा रहे हैं और ऐसा ही एक पेमेंट हो रहा है कि बहुत सारा डिस्क्रीट की कंटिन्यूस कहा से कहा तक ए टू बी सो वी आर समिंग ओवर ऑल दूमुलेटेड वैल्यूज ऑफ द पेमेंट विच आर हैपनिंग बिटवीन द टाइम ए एंड बी सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू येस और नो ठीक है ओके यहाँ तक अपने को एकदम पूरा पानी हो गया ठीक है अब आज जो करेंगे ना वो अपने ऑलरेडी कर चुके हैं अब आज से एक बात याद रखना आज से जो भी कुछ करेंगे ना अब और कुछ भी नया सीखना बाकी नहीं रह गया जो सिखाना था सिखा चुके अब आज से जो भी करेंगे वो पुराना का एप्लीकेशन चालू हो रहा है ठीक है तो हेडिंग लगाइए लेवल एनविटी हेडिंग लगाइए लेवल एनविटी ठीक है लिख दो बगल में वेरी 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 सिंपल ठीक है रहेगी हमारी दो घंटे दस मिनट के आसपास ठीक है एकदम श्रद्धा भाव से सुनेंगे ऐसा समझ लेना सत्संग में बैठे हैं बाबा सामने हैं मन का जो भी तकलीफ होगा दुख होगा दर्द होगा एकदम दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे ठीक है ना तो बहुत सिंपल चीज है सुनना अपने अपने क्या बोले थे अपने क्या बोले थे अपने बोले थे कि सर अगर मान लो कोई एक जो आज है उसको फ्यूचर पे भेजना है कंपाउंडिंग कोई एक सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में है उसको टान के प्रेजेंट में लाना डिस्काउंटिंग राइट right? अभी अपने क्या कर रहे हैं छोटा छोटा अमाउंट्स, छोटा छोटा अमाउंट्स जमा कर रहे हैं तुम लोग मुझसे शादी करोगी देखा है उसमें अक्षय कुमार है सलमान खान है और प्रियंका चोपड़ा है तुम देखियो तो उसमें तुम वो देखियो कि कौन कौन ऑनलाइन में कौन कौन देखा है हाथ उठाओ मुझसे शादी करोगी तो पिक्चर जो मैं बोल रहा हूँ सब देखते रहे ना ठीक है तो उसमें ऑनलाइन में कोई नहीं दिखा है वाह कोई भी नहीं दिखा है हम लोग में बहुत फर्क है तुम लोग का उम्र कितना है ओ दस साल का फर्क हो गया हाँ देखा है ये लोग भी देखा है ठीक है तो उसमें क्या दिखाता है बताते हैं सलमान खान थोड़ा अच्छा रहता है उसमें अक्षय कुमार हल्का बदमाश टाइप में रहता है सलमान खान क्या करता है ऐसे हुंडी बनाता है पहला हुंडी बनाता है बहन की शादी के लिए फिर दूसरा हुंडी बनाता है माँ के आंख का ऑपरेशन के लिए फिर तीसरा हुंडी बनाता है ऐसे ऐसे करके चार पांच तो हुंडी बनाता है ठीक है तो उसकी गर्लफ्रेंड बनती है प्रियंका चोपड़ा उसको पटा रहा होता है तो फिर वो उसको गुलाब देना है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो पैसा तो नहीं है तो ऐसे लाइन से चार टो पांच छो गुल्लक रखा रहता है उसमें तो वो भगवान से बोलता है हे hey, भगवान पैसा कहां से आएगा तो देखते है माँ के आँख का ऑपरेशन वाला गुल्लक फूट गया मैंने भगवान को बोला है भगवान पैसा दीजिए तो बोलता है ठीक है मां के आंख का ऑपरेशन दो साल बाद हो जाएगा <laughs> लेकिन तो ऐसे करके इसमें दिखाता है, बार -बार, जब भी से पैसा है तुम लोग घर पे भी सुना होगा ये चीज कि पैसा सेव करना चाहिए क्यों सेव करना चाहिए टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी कंटिजेंसी राइट सो आज के दिन पे द बेस्ट थिंग इज एस आईपी फॉर एग्जाम्पल तुम हर महीना एक हजार ₹1000 का एसआईपी कर रहे है ओके इज एवरीथिंग ऑल राइट आई गेस देयर वाज अ शॉर्ट टेक्निकल ग्लिच इज एवरीथिंग ऑल राइट यस नो सब कुछ ठीक चल रहा है हां ना तो बोल दो यार हाँ ठीक है सो so, बेसिकली आपने क्या कर रहे हो छोटा-छोटा अमाउंट्स में जैसे मैं बता रहा हूं मैंने अपनी मदर का बहुत साल पुराना बात हो गया लाइक like, 12 साल पुराना 12 13 13 14 साल पुराना हो गया ठीक है तो एस में अकाउंट खुलवाया उसमें एक हजार रुपये का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया ठीक है तो छोटा ही अमाउंट था तीन साल हमारे को हजार हजार रुपया जमा करना था एंड मेरे भैया की शादी थी दस साल पहले तो उस समय हमको वो अमाउंट मिला फोर्टी टू फोर्टी थ्री थाउजेंड सो वो हमने स्पेसिफाइड परपज के लिए यूज किया तो वो जो छोटा छोटा सेविंग्स का हैबिट है ना आज आप अगर हजार रुपए डाल रहे हो ये मत सोचो कोई आपको ये डिमोटिवेट करेगा ये चीज बोल के

आप महीने का पच्चीस हजार रुपए एस आई पी कर रहे होंगे ठीक है ना जिंदगी भर खटना जरूरी नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट में कुछ कुछ सेव करना चाहिए ठीक है आज जैसे मान लो मेरे को यह कि आज जैसे मान लो मेरा अभी शादी होगा इस साल ठीक है आई एम ऑलरेडी एंगेज तो बेसिकली मैंने जो ज्वेलरी प्लानिंग होता है वो मैंने बहुत टाइम पहले से चालू कर दिया था आप कोई बोलेगा सर हमारे घर पे तो जो पैसा कमा, कमाई होता है उतना ही खर्चा है बात वो नहीं हो रहा आप थोड़ा थोड़ा करके भी सेव कर सकते हो स्मॉल अमाउंट्स में भी सेव करोगे ना वो आपको एक अच्छा पर्पस के लिए यूज हो सकता है तो हम लोग ने प्लानिंग किया तो अभी हमारे पे उतना प्रेशर नहीं आ रहा है अभी देखो मेरे शादी के ठीक तीन महीने पहले हमने ये सेंटर ले पाया इसका रीजन था कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज तो वो वो बेसिकली एनविटी फॉर्म एनविटी इज नॉट इट्स अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट इट कैन बी लेवल इट कैन बी इंक्रीजिंग इट कैन बी डिक्रीजिंग ठीक है ना सो so बेसिकली क्या होता है रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट अभी कुछ मत लिखे एनविटी घड़ा कहां पर है ये देखना पड़ेगा घड़ा या तो फ्यूचर में होगा घड़ा या तो आज होगा घड़ा आज कैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मेरा एक पीएमएस है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस 50 लाख रुपए का मैंने कराया आईसीआई सिक्योरिटी से 50 लाख का मैंने कराया मोतीलाल ओसवाल से ठीक है तो अब फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या नियम है कि पहला एक साल पैसा नहीं निकाल सकते हो मैंने बहुत मेहनत की बहुत बहुत ज्यादा मेहनत की और आज के दिन पे एक करोड़ का मेरा पीएमएस है है ठीक सो पीएम महीने का डेढ़ लाख रुपया चालू हो गया अब बेसिकली क्या है उसमें सिस्टम क्या है अब मैं आपको एक छोटा सा सिस्टम समझाता हूँ घड़ा अभी आज मेरे पास में है एक करोड़ का घड़ा मेरे पास में है ठीक है ना आई है सॉलिड वन करोड़ रुपया कोई मेरे को पांच दिन में बोले तो मैं निकाल के दे सकता हूँ ऐसा तो अभी उसमें से क्या है मैं सोचा हूं एक साल के बाद एक साल में मान लो दस लाख रुपए का रिटर्न आता है दस परसेंट के हिसाब से ठीक है तो एक, एक, एक करोड़ दस लाख रुपए हुआ अब मैं क्या करूंगा उससे हर महीना में पैसा निकालना चालू करूंगा तुम चीज समझो एक करोड़ दस लाख हुआ ठीक है मैं हर महीना उससे डेढ़ लाख रुपए निकालना चालू करूंगा तो हर महीना जब मैं डेढ़ लाख रुपए निकालूंगा तो डेढ़ लाख निकालूंगा तो पैसा ग्रो भी तो करेगा ना शेयर मार्केट में समझा तो वो घड़ा बनाना जरूरी है

तो इसीलिए उसमें नियम है कि तुमको एक सर्टेन अमाउंट एनविटी फॉर्म में लेना पड़ेगा लाइफ टाइम जैसे मान लो एक करोड़ का लमसम हुआ वो लोग क्या बोलेंगे सर आप मैक्सिमम लमसम चालीस लाख रुपए उठा सकते हैं साठ लाख का आपका इच्छा हो नहीं हो आपको एनविटी फॉर्म में ही लेना पड़ेगा समझा तो उसका लाइफ सिक्योर हो गया तो एनविटी इज अ रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट जो हम लोग देते हैं ठीक है ना अब अपना काम क्या है अपने को वैल्यू करना है तो अपने क्या देखेंगे कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने इतना इतना पैसा जमा कर रहे हैं तो इसका अक्युलेटेड वैल्यू कितना होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपने इतना इतना जमा कर रहे हैं आज उसका वैल्यू कितना होगा बहुत सिंपल है ठीक है अब इंश्योरेंस कंपनी में बहुत सारा टाइप का प्रोडक्ट्स फ्लो होता है वो लोग बोलेंगे सर आज आप एक करोड़ रुपए दे दो हम आपको हर महीना डेढ़ लाख रुपए देंगे तुम बोलेगा बढ़िया प्रोडक्ट है अपने को महीने का डेढ़ करोड़ रुपए ब्याज आ रहा है समझा अब अब उसमें क्या होगा बोलेगा सर हम आपको हर महीना डेढ़ लाख रुपए देंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे जब आप मर जाओगे तो इसका 50% या फिर इसका 75% या फिर इसका 100% हम वापस कर देंगे बहुत सारे केसेस में क्या बोलता है सर आप एक करोड़ रुपए दे दो हम आपको वापस नहीं करेंगे हम आपको तीन लाख महीने का देंगे स्ट्रक्चरिंग कुछ भी हो सकता है अपना काम क्या है अपने को वैल्यू करना है या तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू एंड एक चीज हमेशा अपने को याद रखना है कि जो तुम आज बोएगा वही तुम फ्यूचर में पाएगा सिंपल सा चीज है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो विल ऑलवेज बी इक्वल टू वॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो यही जीवन का सिद्धांत यही है बैलेंस यही है बैलेंस टोटली totally यही है इक्वेशन ऑफ वैल्यू यही है कि आज तुम जो पैसा दे रहे तुमको कहीं ना कहीं मन में है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज ऑफ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि तुमको तुम्हारा पैसा पे दस का रिटर्न चाहिए ठीक है तो तुम हमको एक करोड़ रुपए दे दो असली में दे दो ठीक है दे दो एक करोड़ रुपया भी दो ठीक है दे दिया तो करोड़ रुपया तो अब दस परसेंट के हिसाब से हम तुमको दस लाख दस लाख दस लाख दस लाख करके चार बार दिया ठीक है और हम तुमको चार साल के बाद में करोड़ वापस कर दिया तो इसमें तुम्हारा रिटर्न कितना बना दस परसेंट तो बेसिकली जब तुम इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा तो वो दस लाख एक करोड़ आएगा नहीं ये तो ये तो मनी हुआ ये तो मनी रिटर्न हुआ अब देखो अब जैसे मान लो बैंक तुमको छह परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं तो उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, है। इन्फ्लेशन मतलब एक करोड़ लगाया है छह परसेंट के हिसाब से तो एक साल बाद वो कितना बन जाएगा एक करोड़ छह लाख बट इन्फ्लेशन आज जो चीज एक करोड़ का मिल रहा है वो एक साल बाद कितने का मिलेगा एक करोड़ पांच लाख

गोला गोला जो देख रहा है ये पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल टाना टूनी तो हम लोग सीख ही चुके हैं अरे भाई बताओ ना अपने को क्या करना है टाना टोनी करना है ना तो जो मान लो ये एक साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद तो जो एक साल पे खड़ा है वो डिवाइड होगा एक एक फैक्टर से मान लेते दस परसेंट का ब्याज का रेट है मोटा मोटी समझो ठीक है लिखो कम और समझो ज्यादा जीरो वन टू थ्री फोर चुच टेन यहां पर मान लो एक हजार का लेवल एडमिटी है ठीक है और कल वाला जो क्लास में करेंगे वो हम लोग करेंगे बढ़ता गिरता इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ठीक है तो ये अपना आ गया हजार 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 तुमको दो टाइप का क्वेश्चन आएगा ठीक है पहला बात तो ये समझ लो अरियर एडवांस क्या होता है ठीक है मैं मैं हर चीज ऐसे नहीं बताने वाला अरियर मतलब होता है साल के एंड पे एडवांस मतलब होता है अभी पैसा कैसे दिया था पैसा कैसे दिया था मेरे को एडवांस दिया था ना तो मतलब पहले पैसा दिया फिर क्लास किया ना अरियर टीचर है अच्छा मान लो हम तो अच्छा टीचर नहीं है 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 मैं ठीक हम सामने दिखता अच्छा अच्छा नहीं तो तो बेसिकली अब जैसे मान लो एक अच्छा टीचर बोला पास होगा तो पैसा लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे तो वो अरियर हुआ मतलब सब कुछ होने के बाद साल के शुरुआत में है साल साल अब हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है प्रोडक्ट तो क्वार्टर का भी होता है हाफ ईयर का भी होता है मंथ का भी होता है एनुअल भी होता है प्रोडक्ट तो हर टाइप का होता है ना तो पीरियड के स्टार्ट में है तो ड्यू पीरियड के स्टार्ट में है तो ड्यू या फिर एडवांस एंड पीरियड के एंड में है तो अरियर अभी तुमको कैसा दिख रहा है ड्यू या अरियर अभी तुमको कैसा दिख रहा है ड्यू या अरियर अरियर साल के एंड पे है ना अगर जीरो से चालू होगा तो मतलब क्या एडवांस ड्यू ड्यू मतलब क्या आज वापस से बोल रहे हैं, दस बार बोलेंगे सुनो ध्यान से सुनो एंड में है पीरियड के एंड में है तो क्या है अरियर साल खत्म होने पे है तो क्या है अरियर साल के स्टार्ट पे है तो क्या है एडवांस नहीं समझा क्या पैसा लगाए ब्याज कब मिलेगा हमको समझ में आ जाता है ठीक है कैसे को भी अगर आंख में प्रॉब्लम है मैंने लगेगा नींद आ रहा है तो बोलो सर हम मुंह धोके आ रहे हैं बेसिन है बट पानी पियो ठीक है गरम पानी कर लो फल वल रखा है वो खा लो सोना नहीं है तो स्टार्टिंग का मतलब ड्यू और एंड का मतलब अरियर पैसा का प्लेसमेंट समझो पहले तो पैसा का प्लेसमेंट समझो तुम एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तो प्रीमियम कैसे पेमेंट करेगा एडवांस में करेगा ना चीज समझो एडवांस एरियस तुमको तो जब क्लाइंट आएगा तो कुछ भी बोल सकता है तुमको तो देखना पड़ेगा तुम ये तो नहीं बोलेगा अरे बाबा रे ये तो हमको सिखाया ही नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकता है ना अब इसका हम लोग को मान लो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है दस परसेंट का ब्याज रेट मान के चलो कितना परसेंट का दस परसेंट का तो पहला वाला टनेगा टनेगा मतलब डिवाइड, डिवाइड नींद आ रहा तुम जो मुंह दो हो वन पॉइंट वन से डिवाइड होगा भाई बोलते बोलते तीन चार दिन हो गए अब तो दूसरा वाला किससे डिवाइड होगा वन पॉइंट वन का स्क्वायर से तीसरा वाला चौथा वाला और लास्ट वाला वन पॉइंट वन टू 10 टेन हो गया जाओ घर तो, तो पहला वाला पेमेंट कहा पे जीरो पे, पे खड़ा है वन पे खड़ा है कितना साल हो चुका कितना होना बाकी है नौ साल तो कितना साल अक्यूमुलेट होगा नौ साल बहुत जोर को बोलते है फैक्टर बताइए तो वन पॉइंट वन टू दावर टेन बोलता है नाइन होगा अरे एक साल तो हो गया ना तो पोइट्री चालू करो वन थाउजेंड वन पॉइंट वन टू दी पावर नाइन प्लस वन थाउजेंड वन पॉइंट वन टू दावर एट लास्ट वाला में क्या होगा वन थाउजेंड टू वन पॉइंट वन टू दीरो बिकॉज इट इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड फॉर जीरो हाँ ना ठीक है ये ला पूरा क्लियर हो गया देखो ये चीज बेसिक है अब इसी का हम लोग को एक शॉर्टकट थोड़ा सॉल्व करके फॉर्मूला बनाना है ठीक है एडवांस अरियर का प्रेजेंट वैल्यू वैल्यूमुलेटेड वैल्यू और एक कंटिन्यूस का कर करेंगे बहुत बार डिस्क्रीट पेमेंट नहीं होता ऐसा बोल देता है कि पहला साल में पांच का पेमेंट होगा दूसरा साल में पांच का पेमेंट होगा तो कल जो रोटी किए थे ना रोटी रोटी इज द रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी तो अभी एनुअल रेट ऑफ पेमेंट इज फाइव हंड्रेड या फिर वन थाउजेंड तो रोटी को वहां पर बैठाएंगे बाकी डेल्टा टी का जो फंक्शन हो जाएगा वहां से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं पेमेंट स्ट्रीम से अपने इसको सॉल्व कर सकते हैं समझा तो पहला वाला पार्ट जो पहला वाला क्लास से दूसरा वाला पार्ट जो कल से कल, कल वाला क्लास से उसके बाद में हम लोग ये सीखेंगे कि भाई अगर मान लो अपने वर्क कर रहे हैं एनुअल में और पेमेंट हो रहा है मंथ्स में तो जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उसमें एक पेमेंट हो रहा है कि एक से ज्यादा एक से ज्यादा तो उसको बोलेंगे पीएथली पेमेंट पीएथली पीएथली पेमेंट पियेथली पेमेंट. पियेथली पेमेंट का मतलब क्या है तुम काम कर रहे हैं एनुअल में बट पेमेंट हो रहा है मंथ्स में तो एक टाइम पीरियड में कितना बार पेमेंट हो रहा है बारह बार तो होता है पीएथली पेमेंट ठीक है उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे जैसे कंपनी है एक कंपनी है मान लो

रिटेन अर्निंग यस और एक होता है अब जैसे मान लो पापा बोलते नहीं अभी हम लोग का एक्सपेंशन का टाइम है अभी सारा पैसा बिजनेस में प्लॉबैक करते रहिए तो वो ग्रोथ कंपनी हुआ उसमें डिविडेंड कम मिलता है जैसे मान लो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है तीन हजार लेकिन डिविडेंड मिलेगा तीन रुपए चार रुपए का समझा ना मतलब और एक होता है बहुत अच्छा जैसे मान लो आईटीसी का कंपनी का शेयर प्राइस है पांच सौ बट वो डिविडेंड देगा पंद्रह रुपया बीस रुपए का तो डिविडेंड अभी कंपनी मेचोरिटी फेज में आई टीसी तो उसको क्या है उसको पैसा देना है बहुत ज्यादा कैश रिच कंपनी है तो क्या करेगा डिविडेंड बांट रहा है

ठीक है पहले हमको बोलना नहीं आता था अब हमको बोलना आता है फॉर एग्जाम्पल हमको बोलता है सर ऐसा ऐसा है आप कर दीजिए ना अब हम बोलते हैं तुम कंपनी के लिए क्या किया हम तो कंपनी का नौकर है मालिक तो तुम लोग है तुमको तो कंपनी के लिए कुछ करना पड़ेगा ना बहुत सिंपल सा चीज है तो कंपनी में जैसे परपेचुअल सक्सेशन होता है तो कंपनी अगर आजीवन चलेगा तो कंपनी डिविडेंड भी तो आजीवन देगा ना अगर कंपनी डिविडेंड आजीवन देगा मतलब वो जो उसको अगर अपने को बोलता है डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालिए तो उसका तो कोई लिमिटेशन नहीं है दस साल बीस साल पचास साल तो वहां पर आएगा आपका परपेचुटी एक ऐसा रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट जो आजीवन चलते रहे दैट इज परपेचुटी परपेचुटी का मतलब क्या है परपेचुअल एनविटी एक ऐसा एनविटी जो जीवन भर चलते रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुटी इज इट ओके समझ आज का क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है ठीक है तो चलो अब हम लोग चालू करेंगे वो अभी तो बताए नहीं तो कल इंट्रोड्यूस किए ठीक है थीके? आओ चलो लिखो सबसे पहले चालू करो annuity. It is a regular series of payment. It is paid at fixed intervals. ठीक है ना अब सीधा चालू करते हैं लिखो क्वेश्चन नंबर वन कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी ऑफ रूपी वन पेड फॉर एन ईयर्स एट द रेट आई परसेंट पेड इन अरियर्स सर्टेन कैश फ्लोज में टर्म स्ट्रक्चर तक कुछ नहीं बोलेगा तो अर मान के चलेंगे कंटीनजेंसीज में कुछ नहीं बोलेगा तो एडवांस मान के चलेंगे ठीक है आओ सो बेसिकली एन ईयर का एनविटी है एक रुपए का एनविटी है इंटरेस्ट रेट है आई परसेंट ये नीचे में मैंने टाइम लाइन प्लॉट किया है ये नीचे में मैंने टाइमलाइन प्लॉट किया है ठीक है और ऊपर में मैंने अमाउंट लिखा है one, 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 one. ठीक है ऊपर में मैंने अमाउंट लिखा है अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एनविटी का ना नोटेशन है जो अपने को लर्न करना पड़ेगा. अरियर्स मतलब क्या होता है एंड ऑफ द पीरियड. हर टाइम पीरियड पे एक रुपए का पेमेंट हो रहा है ठीक है, 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 है और एक ऐसा दिस इज नोटेशन फॉर एनविटी का प्रेजेंट वैल्यू पेड इन अरियर्स नीचे में एन क्यों है क्योंकि एन ईयर्स का एनविटी है फाइव होगा तो फाइव एनविटी होगा ठीक है ये होगा क्या देखो पहला वाला टनेगा कितना बार एक बार तो वन इंटू वी समझ में आया हा कि ना एक साल का डिस्काउंट फैक्टर फिर one into v square, दो साल का वन इंटू वी क्यूब तीन साल का प्लस डॉट 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 प्लस वन इंटू वी टू दावर एन माइनस वन प्लस वन v वी टू पावर एन ये अपना हो गया एन ईयर्स का हा कि ना ठीक है सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है हा कि ना ठीक है अब क्या करेंगे v v square, v cube, dot, 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 v to the power n तुम लोग सबको कराया ना सीक्वेंस एंड सीरीज cs1 का क्लास में कराया ना सबको सीक्वेंस एंड सीरीज तो कैसे करेंगे बताओ ये क्या है ap ना gp gp यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है v एक बात बता रहे सुन लेना इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो v क्या होगा लेस देन वन या ग्रेटर देन वन लेस देन वन एक्सीलेंट ऐसे जवाब देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव मान के चल रहे तो दिमाग चलना था। 2 मानेंगे तो 1 1 कुछ भी मान लो एक दो तीन चार पांच तो वी जो आएगा वी ये तो वी है ना वी जो आएगा वो वन से बड़ा कि वन से छोटा यही तो पूछ रहे हैं वन से छोटा ना हाँ बेटा बोलो मोहित अग्रवाल वो कुछ बोल के निकल गया ठीक है आगे से कुछ भी हो तो तुम लोग चैट बॉक्स पर टाइप कर देना ठीक है सो so, v क्या होगा ठीक है अब हम बोल रहे हैं दिस इज वॉट ए फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म वन माइनस आर टू दी पावर एन बाय वन माइनस आर ए वन माइनस आर आर मतलब क्या कॉमन रेशियो टू दी पावर एन बाय वन माइनस आर ठीक है ना क्लियर है वेन आर इज लेस देन वन तो फॉर्मूला क्या बनता है ए वन माइनस आर टू पावर एन बाय वन माइनस आर ठीक है क्लियर है सबको हां कि ना ठीक है अभी ये खत्म नहीं हुआ है 1 v क्या होता है v होता है 1 d v होता है ना 1 d तो 1 v क्या होगा तुम लोग तुम लोग फोकस करो लेजर फोकस सी अर्जुन से पूछा बोला क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है बताओ अर्जुन को क्या दिखा था चिड़िया का आंख बोला 1 v क्या है 1 d ठीक है ना तो 1 v क्या होगा d ठीक है तो वन माइनस वी टू दीपारन को रखो यहां पर ठीक है हम बोल दे रहे हैं v है वन माइनस डी तो d होगा वन माइनस वी ठीक है सो यहाँ पर आएगा d बाई वी ठीक है सो d क्या है i बाय वन प्लस आई बाय वन बाय वन प्लस आई तो क्या आएगा बताओ i आएगा खाली वन बाय सॉरी वन प्लस आई वन प्लस आई कट वन प्लस आई और वन प्लस आई कट तो क्या आएगा वन माइनस देखो इधर क्या आएगा देखो यहां पर क्या आ रहा है वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय आई अगर ये एक समझ में आ गया तो छओ फॉर्मूला छह मिनट के अंदर करा दूंगा ये एक तो पहले समझ लो कुछ नहीं किए हैं वी को नीचे लेके गए हैं ठीक है ठीके? अगर तुम वी को नीचे लेके जाएगा तो और भी इजी हो जाएगा देखो इधर ए बाई इधर देखो हम बोले वन माइनस वी बाय वी वन बाय वी माइनस वन एंड वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर वन इज इक्वल टू वॉट वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर वन ईयर इज इक्वल टू वॉट अक्यूमलेन फैक्टर फॉर फॉर एंड फैक्टर इज इक्वल टू एक साल का अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है मुंह से बोलो वन प्लस आई माइनस वन तो क्या बच रहा है आई और डी बाई वी कर रहा है तो वो भी दिखा दिया डी इज वॉट आई बाई वन प्लस आई होल डिवाइडेड बाय वन बाय वन प्लस आई वन प्लस आई वन प्लस आई क्या हो जाएगा कट तो क्या बचेगा आई इज इट ओके यस और नो हा या ना yeah. ठीक है कर लो इसको तो सिंपल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी पेड इन आर फॉर एन इयर्स इज वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय आई और नोटेशन है ए एन छोटा ए एन और वो ऐसा वाला चीज ठीक है ठीक है अब हम लोग इसी का करेंगे बट एडवांस केस करेंगे ठीक है आइए जिसको नहीं समझ में आएगा उत्साह बनाए रखिए एडवांस वाले में समझ में आएगा एडवांस में पेमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा हर साल का स्टार्ट में होगा पेमेंट हर साल का स्टार्ट में होगा पेमेंट एन ईयर्स का अगर एनविटी है तो एन पे पेमेंट होगा हा या ना जो बच्चा ये सब चीज नहीं सोच पा रहे ना हम सच बता रहे हैं। वो अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा अंदर से अच्छा अच्छा क्वालिफाइड प्रोफेशनल मैं जब बोल रहा हूं हर साल का स्टार्ट एन ईयर का पेमेंट तो एन ईयर का स्टार्ट कब होगा जब एन माइनस वन खत्म होगा तो वो होगा ना तो क्या एन पे पेमेंट होगा नहीं क्योंकि एन इज द बिगिनिंग ऑफ एन प्लस वन एथ ईयर एंड एंड द ऑफ एथ ईयर तो अपने का पेमेंट कितना है एन या एन प्लस वन एन तो लास्ट पेमेंट कब होगा एन माइनस वन पे ठीक है आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं एडवांस के केस में नोटेशन देख लो ऊपर में डी आ जाता है दो ऐसा डॉट्स आएगा डी आएगा ठीक है दो ऐसा डॉट्स आएगा डी आएगा ए डी यू एंड प्लीज क्वेरी टाइप करना पड़ेगा ऐसे नहीं होगा मैं दस बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ क्वेरी को टाइप करना पड़ेगा क्या क्वेरी है ठीक है खाली रिपीट बोलने से नहीं होगा क्या रिपीट करूं ये बताओ ए सो वन इन टू वी टू दी पार जीरो टू वी टू दी पार वन स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा वन इन टू वी टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है ना दिस इज दिसर प्लस एन माइनस वन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस और नो ठीक है सो ए वन माइनस आर एक बार सुनो कॉमन रेशियो तो वी है बट इसमें टर्म्स कितना है जो बच्चा बता दिया वो पास है इसमें कितना टर्म्स है इसमें कितना टर्म्स है इसमें कितना टर्म्स है एन एन टर्म्स है यार एन टर्म्स है बोल दिया मूव स्टार्टिंग में ही तो बोल दिया था कि एनविटी एन का तो कितना टर्म्स होगा तुम लोग इसको देख के कंफ्यूज क्यों हो रहे है अरे पावर में एन माइनस वन है ना स्टार्ट तो वन से हो रहा है एक सेकेंड एक सेकेंड कहा जाना है आपको जाइए जाइए कहीं भी जाना जाइए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बैग बेटा इस तरफ रख लो प्लीज बैक में पैर नहीं लगना चाहिए, ठीक है सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, हूं तो टाइमलाइन यही तो मैं बता रहा हूं यही मेरे को इनकलकेट करना है मेरे को साढ़े तीन सौ घंटा नहीं पढ़ाना है मेरे को यही चीज इनकलकेट करना था कि तुम लोग देख ही नहीं पाया तुम लोग सिंपल कैलकुलेशन ही नहीं कर पाया वन से एन माइनस वन एन माइनस वन ये भी तो है तो एन हो गया ना क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है कि एन पेमेंट्स, एन पेमेंट्स, तो वन माइनस बी टू पावर एन एन इज व्हाट? नॉट द नंबर ऑफ इयर्स इट इज नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये जो जीपी जो बनाए हैं नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है बाय वन माइनस सो वन माइनस बी टू दावर एन मैं वापस से बोल रहा हूं वन माइनस डी इज एक साल का डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू वी जो एक साल का डिस्काउंट फैक्टर है तो वन माइनस वी क्या हो जाएगा डी वेदांत लद्दा और मोहित अग्रवाल अब समझ में आया हां कि ना ठीक है सेम डिटेल्स पहले अपने कर लेते हैं अरियर्स वाला केस ठीक है टाइमलाइन नहीं बना रहा हूं अरियर्स वाला सेम टाइमलाइन है ठीक है एस एन बोलते हैं कैपिटल एस और एसएन एस एन ठीक है एक बात बोले क्या हाँ पहला पेमेंट कब हो रहा है टाइम वन पे आपने डिस्कस किए थे ये चीज किसको कितना साल अक्यूमुलेट कर रहे हैं ये बात सोचो एक बार टाइम लाइन बनाने का दरकार पड़ेगा मेरे को लगता है जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन एन यहां वन 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 और यहां वन तो यहां से यहां कितना साल होगा एन माइनस वन ठीक है यहां से यहां कितना साल होगा एन माइनस टू अरे टोटल अगर एन है एक साल हो गया तो कितना बचा एन माइनस वन तो जब अपने एस एन की बात करेंगे जब अपने एस एन की बात करेंगे वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस आई टू दावर एन माइनस टू प्लस वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आई प्लस वन क्योंकि लास्ट में अपना N पे है, उसको अपने जीरो अक्यूमुलेट कर रहे हैं ठीक है मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो पहला वाला जो अक्यूमुलेट हो रहा है वो एन माइनस वन ईयर्स के लिए हो रहा है फिर एन माइनस टू ईयर्स के लिए हो रहा है डॉट 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 जो एक साल पहले जो एन माइनस वन पे जो एक रुपया वो एक साल के लिए होगा एन माइनस टू पे जो पेमेंट हुआ होगा वो दो साल के लिए अक्यूमुलेट होगा एंड सो ऑन so इसी को अब अपने उल्टा कर देंगे उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने से अपना क्या बन जाएगा उल्टा करने से अपना क्या बन जाएगा का का ठीक है मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो ये चीज है ये चीज है ठीक है अब मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन ये क्या है जीपी अरे जीपी फर्स्ट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म बाय टर्म करेगा तो क्या मिलेगा कॉमन रेशियो क्या है वन प्लस आई एन क्या है नंबर ऑफ टर्म सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है एन क्यों एन क्यों है नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि वन का मतलब क्या है वन प्लस आई टू पावर जीरो वन का मतलब क्या है वन प्लस आई टू पावर जीरो क्योंकि जीरो हो रहा है ना जो पैसा एन पे जो है एन पे जो है वो जीरो हो रहा है तो अब इसको अपने जीपी में जब करेंगे तो क्या आएगा बताओ एस एन इज इक्वल टू वॉट ए आर टू दावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन क्योंकि आप क्या है मेरा जो कॉमन रेशियो है वो वन से बड़ा है ठीक है सो इसका क्या हो जाएगा वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन बाय आई हां ऊपर कर दे रहे हैं भाई अरे अभी तो बोलो ऊपर कर दीजिए ओ अब अपने करेंगे सेम चीज अक्यूमुलेटेड वैल्यू बट एडवांस वाला केस ठीक है ना सो so, एडवांस वाले केस में ध्यान देना ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये एन माइनस वन है और ये एन है तो यहां से चालू हो रहा है वन 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 और यहां पर जा रहा है यहां पर खत्म हो गया ठीक है सो एस डी एन अपने करना है एस डी एन अपने को करना है ठीक है सो आप पहला वाला जो है वो कितना साल के लिए अक्यूमुलेट होगा एन ईयर्स अरे जीरो से एन कितना साल हो रहा है एन ईयर्स ना जीरो पे कोई पेमेंट है उसको एन पे लेके जा रहे हैं तो एन ईयर्स हो रहा है ना सो वन प्लस आई टू पावर एन फिर वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन लास्ट पेमेंट कब हो रहा है एडवांस के केस में लास्ट पेमेंट कब हो रहा है एन माइनस वन पे हो रहा है तो वो कितना साल के लिए अक्यूमलेट होगा लास्ट पे जो हो रहा है अपना एन माइनस वन पे वो कितना साल के लिए अक्यूमलेट हो रहा है एक साल एन माइनस वन से अपने कहा लेके जा रहे हैं एन पे लेके जा रहे हैं सो प्लस में क्या आ रहा है सेम इसी तरीके से अब इसको अपने उल्टा कर देंगे तो so, अगर अपने इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा वन प्लस आई प्लस वन प्लस आई का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वन प्लस आई टू दी पावर एन ए वन प्लस आई अपना आर टू दावर एन माइनस वन बाय क्या फॉर्मुला ए आर टू दावर एन माइनस वन बाय एक्सीलेंट ये वन प्लस आई नीचे चला जाएगा तो वन प्लस आई टू दी पावर एन माइनस वन बाय डी आई बाई वन प्लस आई हो जाएगा ना आई बाई वन प्लस आई डी होता है अपने जब अपने जब जीरो से अक्यूमुलेट कर रहे हैं मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं अपने जब जीरो से अक्यूमुलेट कर रहे हैं और एन पे जा रहे हैं ठीक है तो कितना साल हो रहा है एन ईयर्स जब वन से कर रहे हैं तो कितना साल हो रहा है एन माइनस वन ईयर्स जब टू से कर रहे हैं तो कितना साल हो रहा है ठीक है इसको कॉपी कर लो इसको कॉपी कर लो यस प्राणित सर इक्वल टू के पहले तो समझ में आ गया इक्वल टू के बाद डी कैसा आया अरे भाई आ, वन वन कट रहा है तो आई बाई वन हाँ। प्लस आई हो जाएगा तो डी हो जाएगा ना अच्छा एक चीज देखो तुम लोगों को कहा दिक्कत हो रहा है मेरे को समझ में आ रहा है प्रॉब्लम मैं बोला ना टाना में ही हो सकता है प्रॉब्लम हो देखो ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये एन माइनस थ्री है ये एन माइनस टू है ये एन माइनस वन है और ये एन है ठीक है टोटल कितना साल है एन ईयर्स है आप जीरो से अगर एन पे लेके जा रहे हो तो कितना साल अक्यूमुलेट देखो मैं बोल रहा हूँ आप जीरो से अगर एन पे लेके जा रहे हो तो कितना साल अक्यूमुलेट कर रहे हो वन से अगर आप एन पे लेके जा रहे हो तो टू से अगर आप लेके जा रहे हो तो जो पेमेंट एन पे है उसको एन पे लेके आ, तो तो मतलब ले आ रहे हो तो जीरो इयर्स तो मतलब वन इन टू वन होगा एन माइनस वन से एन पे लेके आ रहे हो तो एन माइनस थ्री से एन पे लेके आ रहे हो तो एन माइनस टू से अगर लेके आ रहे हो तो भाई बोलने का मतलब अगर अगर मैं बोलूं तो अगर आप जीरो से अक्यूमुलेट कर रहे हो तो एन ईयर्स फिर एन माइनस वन ईयर्स फिर एन माइनस टू पे अगर मान लो कोई पेमेंट यहां है तो एन ईयर एन माइनस तीन साल हो चुका है ना यहां है तीन साल बाकी है एन होने में अरे एन माइनस थ्री है ना तो तीन साल होना बाकी है तो तीन साल यहां है तो जीरो ईयर्स यही तो बता रहा हूं सेम गोज फॉर डिस्काउंटिंग क्लियर है हाँ अब लिखिए अब देखो ये टाइमलाइन है अब हम लोग करेंगे कंटिन्यूस अब ये अपना टाइमलाइन है ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है डॉट डॉट ये एन माइनस वन है और ये एन है इधर देखो ये पहला साल पूरा एक रुपए का पेमेंट हो रहा है रो टी जो मेरा है वो वन है एनुअल रेट ऑफ पेमेंट इज वन बट वो एक बार में नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं हो रहा है थ्रू आउट हो रहा है पेमेंट इज कंटिन्यूस वन और टू के बीच में वन का यहां से यहां वन का यहां से यहां वन का समझा हाँ डेल्टा टी जो मेरे को दिया हुआ है वो है डेल्टा टाइम पीरियड है एन यर्स का अपने को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू कहां निकालना है प्रेजेंट वैल्यू कहा निकालना है जीरो पे अरे जीरो पे भाई मेरे जीरो पे प्रेजेंट वैल्यू इसका अपने को निकालना है जीरो पे सबसे पहले रोटी क्या दिया हुआ है? मैंने टाइम टी पे पेमेंट हो रहा है वन का ठीक है अब अपने क्या करेंगे इसको पुल बैक करेंगे टाइम टी पे जो पेमेंट हो रहा है इसको जीरो पे लाएंगे डेल्टा टी क्या दिया हुआ डेल्टा लिमिट्स में टी है बोल के डीएस होल इंटू अब अपने को बताओ कहां से कहां तक पेमेंट हो रहा है जीरो से एन तक पेमेंट हो रहा है ये पूरा होल थिंग इंटू डेटी अब अपने इसको करेंगे सॉल्व पहले यहां तक कॉपी करो कितना आया तुम लोग का? एन ई टू दावर माइनस डेल्टा टी डी टी हो जाएगा बहुत सिंपल था डेल्टा बाहर डीएस का एस टी माइनस जीरो सो ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी बाय माइनस डेल्टा जीरो टू एन सो माइनस वन बाय डेल्टा ई टू दावर माइनस डेल्टा एन माइनस 1 because anything to the power 0 is 1. So 1 minus e to the power minus delta n by delta. So this is what? a bar n. और तुम लोग को तो पता है कि की पावर माइनस डेल्टा एन इज वॉट कोई बता सकता है मेरे को डिस्काउंट फैक्टर फॉर एन तो इसको हम लोग वी टू एन भी लिख सकते हैं सो वन माइनस वी टू दी पावर एन बाय डेल्टा बोलो हां कि ना बोलो भाई ठीक है सेम चीज अब हम लोग करेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू कंटिन्यूअस वाला चीज सर को बोल के होना कि फोन का नॉर्मल या तो हेडफोन्स यूज करेंगे थैंक यू। टेड वैल्यू सो अगेन रो टी जो मेरा है वो क्या है वन डेल्टा टी जो मेरा है वो क्या है डेल्टा एन ईयर्स का पीरियड है कंटिन्यूस पेमेंट हो रहा है ठीक है सो वन का जो पेमेंट होगा टाइम टी पे अब क्या करेंगे उसको टी से कहां पर लेके जाएंगे एन पे डेल्टा डीएस दिस होल थिंग जीरो से एन पेमेंट हो रहा है डी तो क्या हो जाएगा जीरो से एन ई टू दावर डेल्टा एन माइनस टी डी टी अरे एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है ई e के पावर में ना अरे बोलो ना जोश में आओ सो ई टू दावर डेल्टा एन तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन किसका है डी का है अभी देखो इट्स मैजिक कोई मिल गया देखा है तुम लोग हाँ देखो और आपने कहा था तो ना सीख क्या हो मैं सीख क्या हो सर दिखाया वाला तुम लोग नहीं देखा है उफ, कजो। जब पहले वो लोग के संग खेलता है फिर बोलता है कि ना अब मेरे उम्र खेलने कूदने के लिए नाचने का नहीं की है अभी तो हम लोग सॉल्व किए थे ना ये वाला ये वाला तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना हाँ क्या आया था आंसर में वन माइनस ई टू दावर माइनस डेल्टा एन बाय डेल्टा तो क्या आ रहा है ई टू दावर सॉरी सॉरी हाँ ठीक है तो लिख रहा था मैं अरे ई टू दावर डेल्टा एन माइनस वन बाय डेल्टा तो ये आ जाएगा एस बार एन कैपिटल है ब्रो चालू स्मॉल से होता है है पैसा जब हो जाता है तो बड़ा हो जाता है गलत बोले सर दुख रहा है मेडिसिन बॉक्स है तू बाम वाम कुछ पे वे कुछ माता दर्द हम लोग रखते हैं मेडिसिन बॉक्स ऐसे पढ़ते पढ़ते माता दुख रहे हैं तो सब बाम लगा लो सुबह अमेजॉन वाले का फोन आया बोला भैया आपका तो सेंटर बंद है तो छः से दस सुबह छः से दस का डिलीवरी टाइम होता है बताओ तो हम बोले भैया कैलकुलेटर भारी रख दो किसी को ले भी जाएगा ना तो उसको यूज़ करना नहीं आएगा वापस वहीं रख देगा आप कैलकुलेटर भारी रख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वन प्लस आई टू एन माइनस वन डेल्टा क्या उसको मिलेंगे ऐसे कि ढूंढने का एक्चुअल कैंडिडेट कौन है फिर भी... फिर भी, ऐसा करता नहीं है ऐसा नहीं करता <laughs> क्या चीज क्या है पैसा कम लो <laughs> आठ हजार का ही ऑर्डर वैल्यू था तो दिक्कत नहीं है ठीक है ये आया हाँ अब चलो कुछ सम्स हो जाए ठीक है यहाँ तक हुआ तो अब आओ ए फाइव एट द रेट टेन परसेंट ए फाइव एट द रेट सब लोग कैलकुलेटर निकालो ए फाइव एट द रेट टेन परसेंट सो दिस इज वन माइनस वन पॉइंट वन टू दावर माइनस फाइव सब लोग के पास कैलकुलेटर है कोई नहीं लिया तो ले लो और कभी अगर मान लो क्लास के बाहर हो ठीक है अभी जैसे टेबल बुक भी एक मिलेगा तुम लोग को घर पे आएगा जो लोग को नहीं मिला घर पे आएगा ठीक है कभी अगर क्लास के बाद ऐसे तो हम लोग दो कैलकुलेटर्स रखने लगे क्योंकि कभी कोई बच्चा कैलकुलेटर भूल जाता है कभी टेबल बुक भूल जाता है अब रखने लगे नहीं तो पहले बोल देते थे कभी बाहर हो कॉपी वापी कुछ भूल जाओ तो चले जाना वापस क्योंकि कैलकुलेटर को समझ में नहीं आएगा बैठ के क्या होगा ठीक है ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है इसको चलाना आना चाहिए ठीक है तुमको पता है कर्ण महाभारत देखा है नहीं है पता नहीं कर्ण का सबसे बड़ा दुख क्या था जीवन का उसको बोला था श्राप दिया था उसका गुरु श्राप दिया था बोला जब तुमको अपना शक्ति का सबसे ज्यादा जरूरत होगा तुम उसी समय अपना शक्ति भूल जाएगा सोचो ठीक है ऐसे ये सब का पैसा लेंगे बाद में शुरू में नहीं लेते लगता है पैसा वन माइनस वन पॉइंट वन टू दाइनस फाइव बाय क्या होगा देखो अभी तो फॉर्मुला कराए ना वन माइनस बी टू दी पावर एंड बाय माइनस बी टू पावर एंड बाय डेल्टा नींद आ रहा तुमको ये क्या है a5 है ओ सॉरी मैंने बार नहीं लगाया क्या अच्छा हाँ देखो जब बार होता है मतलब तब कंटीन्यूअस होता है देखो ये रहा ना बार लगाया ना बार ऊपर में ये इसको बार बोलते हैं जब बार होता है तब क्या होता है कंटीन्यूअस जब ड्यू होता है तब क्या होता है एडवांस और जब नॉर्मल होता है तब एरियर तो ये तो एरियर वाला केस है सो so, a5 10% 0.1 करो कितना आ रहा है बताओ ये समझा ना v टू दी पावर फाइव होता मतलब वन पॉइंट वन टू दी पावर माइनस फाइव कितना आ रहा है बताओ ये चैट बॉक्स में बताइए सब लोग कितना आ रहा है कितना आ रहा है इसका आंसर बताइए थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन नाइन जीरो सेवन ठीक है ना अगर ब्रैकेट अच्छे से डालेगा ना तो पूरा कैलकुलेटर एक बार में आ जाएगा ये चीज वंदिता मैम का भी ट्यूटोरियल और मेरा भी ट्यूटोरियल देख लेना यूट्यूब पे अब इसके बाद में एड यू टेन एट द रेट एट परसेंट ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो दिस इज वॉट वन माइनस वन पॉइंट जीरो एट टू दी पार माइनस टेन बाय पॉइंट जीरो एट बाय वन पॉइंट जीरो एट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है Seven point two four eight eight. आओ भाई नेक्स्ट में आओ ए बार टेन आई दिया हुआ है परसेंट मेरा वास सुनो आई दिया हुआ ना तो ए बार टेन बोला है तो वन माइनस वन पॉइंट जीरो सिक्स टू दी पार माइनस टेन क्योंकि वन माइनस बी टू दी पार एन है ना डिवाइड में नीचे में तो डेल्टा चाहिए ही चाहिए और डेल्टा क्या होगा एल एन वन प्लस आई वन प्लस आई ई पार डेल्टा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देखो मैंने बताया था आप लोग भूल गए e so, तो नीचे डेल्टा चाहिए ना तो अपने क्या करेंगे एल एन वन प्लस आई अगर डेल्टा डिरेक्टली दे देता तो सब अलग तरीके से होता बट यहाँ पर आई दिया है तो क्वेश्चन में हमेशा देख लेना की आई दिया है कि डेल्टा दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन में कि आई दिया हुआ कि डेल्टा दिया हुआ हम्म सेवन पॉइंट फाइव सेवन एट सेवन फोर आओ भाई नेक्स्ट में आओ एस एट एट द रेट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट जीरो पॉइंट फाइव का परसेंट का मतलब क्या होता है जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव सो वन पॉइंट डबल जीरो फाइव टू दावर एट माइनस वन बाय जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव जब एस करेंगे ना तो वन प्लस आई टू दी पॉर एन माइनस वन बाय आई करेंगे एस डू ट्वेंटी एट द रेट फिफ्टीन परसेंट सो दिसंट वन फाइव टू दी माइनस वन बाय जीरो पॉइंट वन फाइव बाय पॉइंट वन फाइव ऊपर वाला का पहले बताओ वन फोर वन फोर नीचे वाले का बताओ वन वन सेवन पॉइंट एट वन जीरो अब डेल्टा दिया हुआ है तो अब देखो मेरा बात सुनो जब डेल्टा दिया होगा ना तो अलग तरीके से करेंगे जब डेल्टा दिया हुआ होगा तो क्या करेंगे होल डिवाइडेड बाय यही तो होता है ना पार्ट डेल्टा एंड माइनस वन बाय डेल्टा तो पॉइंट जीरो क्योंकि डेल्टा दिया हुआ है ना यही आई देता तो एल एन वन प्लस आई करना पड़ता नीचे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है टेल्व ये तो बेसिक था हम एक मिनट का ब्रेक दे रहे इसको ऊपर रिवाइज कर लो ठीक है Eis, du bist hier, du bist hier. Ey, wie geht's dir? Ich bin hier. Hey, wie geht's dir? Ja, es ist ein Problem. Ich habe ein Problem. Du kannst चाहिए नहीं चाहिए वो वाला वो मिलेगा इसलिए ये स्टेबल है आ एगिएंडेट ये जो है वो करंट एनर्जी है जो मेरा प्रॉब्लम पीस है है ये ये और सही बात है है वो है वो विजिट है स्पेशली वो

मैं भी इंटर्न और सीनियर बिजनेस सोसाइटी में बस देख रहा हूँ मैं भी वहाँ की इंटर्न सही है काम भी करूँगा कोई ना कोई तो फिर पना करूँगा कोई तो सेफ्टी नहीं तब तो

मैंने पहले फोन किया कुछ मैंने नोटिस किया कि वो ये कीटिंग किसने मांगी है आज को यार यार भी ले ली अब और मतलब पीए भी चाहिए एक एक पेपर्स की सीएस का और अब से नीचे जाओ तो ऑफिस है हां नाम है क्या पांच महीने की रिपोर्ट को देखता आओ टीचर के एक क्वेश्चन ऑन माचिनरी ऑफ कॉमर्स की प्रिंसिपल ऑफ लॉज आई थिंक टीचर वो मींस अगर आप समझ रहे हैं मैं बता सकती हूं नहीं तो मजा है मुझे कॉमर्स से मुझे बहुत डिजाइनिंग क्वेश्चन कॉमर्स से मुझे मजा आता है लेट्स कॉमर्स के बारे में बोला तो बीएससी को करना होता है सेम ओके

तो को। क्यों ऐसा क्यों मेट्रो तो चलता ही है अच्छा समझा उसके बाद और क्लास होता है ना तो उसको मैं पहले नहीं कर सकता वो तो चार बजे से ही होगा इसीलिए ठीक है तुम डॉट आठ बजे निकल जाना ठीक और लास्ट का जो थोड़ा बहुत अगर इनकेस रहता है तो वो मैं आज या फिर कल सुबह तक ही डाल और कल के टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है वो इसीलिए ठीक है तो चलो ओके हेडिंग लगाना पीएचली एनविटी कुछ नहीं है देखो पर एनम जो पेमेंट है ना वो है वन रुपीज का पेमेंट हो रहा है क्वार्टरली ठीक है बाकी सब कुछ सेम है एन ईयर्स का एनवीटी है कल तक क्या हो रहा था साल में एक ही बार पेमेंट हो रहा था पेमेंट भी अर में हो रहा है अब यहां पर क्या हो रहा है पर एन पेमेंट इज वन क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है तो हर क्वार्टर में कितना पेमेंट होगा क्वार्टरली पेमेंट कितने का होगा वन बाय फोर का अरे तभी तो वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज वॉट वन इज इट ओके क्वार्टरली पेमेंट इज वन अभी तो बढ़ाया छब्बीस कर दिया भाई तुम कल जैकेट लेके आओ ठीक है अपने को इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बहुत सिंपल है देखो V क्या होता है ठीक है वन प्लस आई फोर बाय फोर क्या है वन क्वार्टर अक्यूमुलेशन फैक्टर है ना तो मैं बोलता हूं वन प्लस आई फोर बाय फोर होल्ड टू दी पर फोर क्या है एक साल का अगर मैं इसको वन बाय करूंगा तो ये क्या आएगा वी है ना ये तो ये वी है तो तो अब जैसे देखो मैं आपको बोलता हूं अगर मेरे को वन प्लस आई फोर बाई फोर वन बाई दिस अब ये क्या बताओ वन क्वार्टर डिस्काउंट फैक्टर ठीक है तो अपने क्या कर सकते हैं ना अपने लिख सकते हैं ये वाला चीज को ये वाला जो चीज है इसको अपने क्या लिख सकते हैं वन बाय वन प्लस आई फोर बाय फोर दिस होल थिंग टू दर फोर क्योंकि न्यूमरेटर में वन टू तो दन ही हो जाएगा सो दिस इज वी सो वन बाय दिस इज वॉट वी टू पावर वन बाय फोर तो वी टू दी वन बाय फोर क्या है वन क्वार्टर का डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत सिंपल है तो वी टू दी पर वन बाय ट्वेल्व क्या हो जाएगा एक महीने का वी टू दी पर हाफ क्या हो जाएगा वी टू दी पर हाफ बोल रहा हूं वी टू दी पर वन बाय टू वी टू दी पर हाफ बोल रहा हूं हाफ हाफ आधे साल का मैं बोल रहा हूं वी टू दी पर हाफ डिस्काउंट फैक्टर फॉर हाफ ईयर v टू दी पर वन बाय फोर डिस्काउंट फैक्टर फॉर वन बाय फोर ईयर ठीक है v टू दर वन बाय ट्वेल्व डिस्काउंट फैक्टर फॉर वन बाय ट्वेल्व ईयर तो ये हो गया हाफ ईयरली ये हो गया क्वार्टरली और ये हो गया मंथली है कि नहीं हा कॉपी करो इसको हाँ सब कर दे रहा हूं हुआ ठीक है बोलो क्या बोल रही है वो क्यों क्या लॉजिक हुआ कितने सारे तो हाइट वाइज बैठ जाओ आपस में कोऑर्डिनेट कर लो सीट फिक्स कर लो ना अपना क्या दिक्कत है स्कूल में तो लड़का लोग बेंच पे लिख देता था मैंने किसी लड़की से प्यार है मान लो ठीक है तो लिख देता था अभिषेक दिस ये सभी वो सिर्फ मेरी है ऐसा सब लिख देता था भाई वो लोग एम सिंगल फिर अपना नंबर मैंने बेंच है वुडन बेंच पे गार्ड देता था नंबर अपना <laughs> नहीं वो सब हम लोग का मैं था लेकिन वो क्लास में तो मैं नहीं बोल सकता ना ठीक <laughs> है देखो अब जो करना है वो कर जो करने के लिए है वो कर लेते हैं अब देखो अभी अपने को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये एक समझ गया ना भाई ये जीरो है और ये वन है तो जीरो और वन के बीच में क्या होगा वन बाय फोर पे एक पेमेंट होगा फिर टू बाई फोर पे फिर थ्री बाय फोर पे और फिर वन पे ऐसे करके एन ईयर्स तक होगा तो पहला जो पेमेंट है वो कितना क्वार्टर बाद होगा एक क्वार्टर बाद कितने का पेमेंट होगा वन बाय फोर उसको पुल बैक करेंगे एक क्वार्टर तो वी टू दी पर वन बाई फोर फिर प्लस दूसरा क्वार्टर में कितने का पेमेंट होगा देखो नींद आ रहा है अरे पेमेंट तो वन बाय फोर का ही होगा टानेंगे दो क्वार्टर समझा इसी बात के पैसे हैं जीवन का रस कहाँ है ये है यस यही है सर एग्जाम में बताइए गलती नहीं करने का यही गलती होगा एग्जाम में यस दैट्स वाई वी आर सो कॉन्फिडेंट ठीक है ना कि हम लोग का बच्चा लोग पास क्यों होता है इसीलिए हम लोग इतना कॉन्फिडेंट है कि हम लोग पता है कहां गलती होगा ठीक है वन बाय फोर वी टू दावर थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर वी टू दावर फोर बाय फोर ये पहले साल का हुआ ऐसे करके अब देखो वन बाय फोर वी टू दी पावर वन प्लस वन बाय फोर फिर डॉट 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 प्लस वन बाय फोर वी टू दावर टू दो साल हो गया ना अरे बोलो ना हा ये लास्ट में आ जाएगा वन बाय फोर वी टू पावर n बोलो ना हाँ इसके अंदर जो बता दिया कि कितना पेमेंट है कितना टर्म्स है वो बच्चा पास है अभी लिख के जाएंगे तुम पास हो और ऑनलाइन में लिखो भाई एक बार हम बोल दिए थे कैलकटा सेंटर में जैसे जो तो स्टेज है हम लोग पहले बुलाते थे एग्जाम्पल देने के लिए पहले तो बोर्ड पे पढ़ाते थे अभी कैलकटा में फिर से वही सेटअप है बोर्ड वाला ही है तो हम बोले कि जिसको स्टेज पे बुलाए हैं वो लोग सब एक बार में पास हुआ है तो जाते वक्त पता है सब बच्चा लोग स्टेज में चढ़ के गए

काम खत्म है भाई घर चलो पैकिंग वन बाय फोर वी टू पावर वन बाय फोर ये हो गया ए अगेन वी टू दी पावर वन बाय फोर है ना तो डिस्काउंट आर टू पावर एन लिखेगी फोर एन लिखे टू पावर एन लिखेगी फोर एन लिखे फोर एन बाई नंबर ऑफ टर्म्स है वही तो कब से बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइड बाय वन माइनस आर अब ध्यान देना ये कॉपी कर लो पहले यहां तक पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए समझ में आती है बातें सात अक्टूबर से तेरह अक्टूबर डेट्स लिख लो तुम लोग दोनों थे ना तो दो, दो तीन जन नहीं आया था उस समय सात अक्टूबर से तेरह अक्टूबर टिकट बन चुका है इक्कीस अक्टूबर से सत्ताईस अक्टूबर ठीक है और उन्नीस नवंबर से चौबीस नवंबर ठीक है लॉक एकदम मिड सेम हो एंड सेम हो कुछ भी हो टाइम बता देना उसके बाद ही क्लास रखेंगे लेकिन आना जरूर क्लास ट नहीं हो सकता है भाई क्लास एबसेंट नहीं हो सकता है एक बात सोचो अगर पूरा आधा टर्म नहीं पढ़ा तो वो दो घंटा पढ़ के कुछ नहीं होगा और पढ़ा है तो भी वो दो घंटा पढ़ के कुछ नहीं होगा ठीक है ना तो क्लास जो होगा दो से तीन घंटा वो भाई देना पड़ेगा इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मिड टर्म है उस समय नहीं रखेंगे लेकिन क्लास आना है ठीक है ना घर जाना है तो दो दिन बाद दो दिन पहले जो भी हो सब एडजस्ट हो सकता है बट लक्ष नहीं वेट कर सकते ये बात याद रखना ऐसे करके एक दिन दो दिन हम लोग के वहां पर भी ऐसे होता है कि बच्चे सिलीगुड़ी या सैम से आते हैं जैसे डीयू में बहुत अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने आते हैं ना तो हमने देखा दो टाइप के बच्चे होते हैं उसमें एक बच्चा जो घर जा भी रहा है तो डिसिप्लिन में, में घर जा रहा है दो दिन तीन दिन क्लास का टाइम वाइम देख के पूछ पाछ के जा रहा है और एक बच्चा जाएंगे ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा रिकॉर्डेड है कि नहीं भाई वैसा नहीं हो सकता है कि तुम या इससे तो तुम बाहर पढ़ने आता ही नहीं अगर तुमको इतना ज्यादा अटैचमेंट है तो बाहर पढ़ने नहीं आता और आया है तो किस काम के लिए आया पढ़ने के लिए आया है और पढ़ने के लिए आया है तो फिर भाई पढ़ो लॉजिक नहीं एक्चुअली माइंड में क्लैरिटी नहीं है ना माइंड में क्लैरिटी नहीं है माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी लेजर फोकस होना बहुत जरूरी है कि भाई हम क्या करने आए हैं हम क्यों कोर्स ज्वाइन किया है वो तो पहले ही पता था सर तो पहला दिन बोले कि पांच घंटा पढ़ना पड़ेगा पंद्रह दिन का रिफंड गारंटी है हम लोग का तो पहले ही दिन पता समझ में आ जाएगा कि कि भाई तुमसे होगा नहीं होगा तो बोल दो साफ बोलो कि भाई सर हम पांच घंटा नहीं पढ़ सकते हैं ना जो बच्चा फिजिकल से धीरे धीरे ऑनलाइन में जाएगा ऑनलाइन से रिकॉर्डेड में जाएगा फिर गायबी हो जाएगा फिर दो साल बाद बोलेगा हमको एक्सटेंशन चाहिए हाँ होता है भाई होता है ना बेवकूफ नहीं है जो लोग टॉप कर रहे हो बेवकूफ नहीं है कि जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं पूरा सम एंड तक बना रहे अब ये भी मैटर करता है तुम एक एंड तक बनाया है एंड तक बनाया मतलब तुम पास है इक्वेश्चन बनाया मतलब फेल है एग्जाम में नहीं बना पाएगा एग्जाम में द प्रोसेस नीड्स टू बी वेरी मैकेनिकल वेरी मैकेनिकल तुम्हारा को पता भाई उसको कैसा दिमाग में पूरा छप जाता है पहले ही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में छप जाता है फिर उसको पेपर में उतारता है सिंपल है उसमें तो एक मिनट भी वेस्ट करने का टाइम नहीं है बहुत सारा बच्चा लोग आई एफ ओपन बुक है आई एफ ओपन बुक है फटाफट -फड़ कॉपी खोलेंगे सर का देख के कर लेंगे हाँ मैंने अपना मन को कितना बेवकूफ बना के रखा है अच्छा बात है ठीक है मैंने पूरा इंस्टीट्यूट तो बेवकूफ है ठीक है तो यहां पर देखो अभी क्या आएगा वन माइनस वी टू दिन होल डिवाइड बाय अब देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में जाना मतलब न्यूमिनेटर में आना मतलब कि सर क्या बोल गए आप ये देखो इसको अपने करेंगे टू पावर वन फोर अरे इस वाले पार्ट को मैं यहां लेके आया ठीक है अब देखो ये जो है ना ये ये बेसिकली क्या वन बाय वन बाय फोर है वन बाय वन बाय फोर है ना तो वो आएगा न्यूमरेटर में बेसिकली आएगा डिनोमिनेटर में हाँ घर में किसी को बोला ना ये चीज देख आएगा न्यूमरेटर में लेकिन है वो वी रीच लेवल, ठीक है ना ये पागल हो गया झाड़ कराओ इसका ठीक <laughs> है तो वन माइनस वी टू दावर एन फोर एंड वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर अ क्वार्टर इज वॉट वन बाई वी टू दी पावर वन बाई फोर है ना अरे फोर का तो एडजस्टमेंट कर दिए तो वन माइनस वी टू दी पावर वन बाय फोर बाई वी टू दी पावर वन बाई फोर है तो वन बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर अ क्वार्टर इज वॉट अक्यूमुलेशन फैक्टर फॉर अ क्वार्टर तो वन प्लस आई टू दर वन बाई फोर माइनस वन है अब एक काम करो कॉपी में एक छोटा सा कैलकुलेशन करो मेरे लिए इसको भी कॉपी मत करना आई दिया हुआ है आई फोर निकालना है आई दिया हुआ है आई फोर निकालना है तो कैसे करेंगे ध्यान दो एक बार कैसे करेंगे ध्यान दो वन प्लस आई इज इक्वल टू वन प्लस आई फोर बाई फोर होल टू दर फोर वन प्लस आई टू दर वन बाई फोर माइनस वन होल इन टू फोर इज वॉट आई फोर अब इसको और इसको दोनों को मैपिंग कर लो सेम है सेम है तो अपने क्या लिख सकते हैं ये बॉक्स में लिख रहे हैं वन माइनस बी टू द पावर एन बाय आई फोर अब समझ अरियर में था अरियर में था क्वार्ट, क्वार्टर में था इसलिए आई फोर आया यही अरियर में होता, में होता, तो आई ट्वेल्व आता अरियर में होता हाफ ईयर में होता तो नीचे क्या आता आई टू आई टू आई सिक्स इज टू, टू मंथली आई टू इज सिक्स मंथली क्लियर है नहीं वाला चीज यही एडवांस में होता है तो डी आता ठीक है, दिस इज पी एचली कहा तक कॉपी हुआ था यहां तक कॉपी हो गया था पूरा ये पूरा कॉपी हो गया सबका अभी अलग कॉपी कर लो इसका नोटेशन अलग तरीके से लिख देता हूं तो याद रहेगा इसको बोलते हैं ए एन जो नॉर्मल ए एन है ना अब ऊपर में लिखेंगे फोर ऐसे ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में कितना पेमेंट हो रहा है इसको मैं ऐसे सर्कल करके यहां लिख देता हूं इसका मतलब है जिस टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं उसमें कितना पेमेंट हो रहा है बगल में गाना बज है ना मेरे ऐसे ही हिल रहे ऐसे करके है <laughs> ऐसे लगा पब में बैठा हूं तो हाँ श्योर बोलो ना हाँ कि ना तो बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है अपना ए एन पी जो है वन माइनस वी टू दी पावर एंड बाई आई पी यही अगर ए डी यू एन पी होता सो वन माइनस वी टू दी पावर एंड बाई डीपी होता ठीक है एस एन पी होता तो पावर एन माइनस वन बाय आई पी होता और एस डी एन पी होता तो वन प्लस आई टू दावर एन माइनस वन बाय डी पी होता मैंने एडवांस के संग में क्या आएगा डी आरियर के संग में क्या आएगा आई बोलो दीदी ठीक है कल आएंगे आप कितना बजे ठीक है आए, देख रहा है ठीक है अब इसमें सबसे बड़ा जो बात है वो अभी बताना भूल गए थे अभी बताएंगे ये जो ए एन पी है एट द रेट आई परसेंट है और यहां पर एक अमाउंट है वन रुपीस अब तुम ये समझ लो भैया ये एक रुपया ये एन और ये आई ये तीनों जो है ये तीनों होना चाहिए सेम टाइम पीरियड के लिए समझता है इसका मतलब अगर तुम एनुअल में काम कर रहे हैं तो ये वाला जो अमाउंट है ये वाला जो अमाउंट है ये तुम्हारा अगर तुम एनुअल में काम कर रहा है तो ये वाला जो अमाउंट है यह क्या होगा पर एन का अमाउंट ये जो एन है ये क्या होगा नंबर ऑफ इयर्स और ये जो रेट होगा ये क्या होगा एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये बोल रहा है तीस में करने ये कितना करना है ये तीनों सेम टाइम पीरियड का होना चाहिए ठीक है अब एक क्वेश्चन करेंगे हंड्रेड एस यू एट टू एट द रेट फोर परसेंट मान लेते हैं एनुअल में काम कर रहे हैं मैं तुमको इसका मतलब समझा रहा हूं ध्यान से सुनो पहले उसके बाद करना सबको ठीक है मान लेते हैं एनुअल में काम कर रहे हैं तो अगर, अगर अपन एनुअल में काम कर रहे हैं तो एट क्या है इयर्स हंड्रेड क्या है पर एनम का अमाउंट पेमेंट एक साल में कितनी बार होगा दो बार होगा अयर में होगा कि एडवांस में होगा एडवांस में होगा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फोर परसेंट लेकिन हर पेमेंट कितने का होगा पचास क्योंकि एक साल में दो बार पेमेंट हो रहा है एनुअल पेमेंट अगर हंड्रेड का है डिवाइड बाय टू करेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी क्लियर हो गया ये चीज अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है कि प्रेजेंट वैल्यू एस है ना एस का मतलब क्या होता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू और ए का मतलब क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू एस का मतलब है अक्यूमुलेटेड वैल्यू ए का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू इज इट ओके अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा 1.04 पॉइंट जीरो फोर टू दी पावर एट माइनस वन बाय डी टू ये पूरा चीज इंटू हंड्रेड अब आपको क्या करना है 4 परसेंट को आई मान के मतलब आई दिया हुआ फोर परसेंट यहां से आपको डी टू निकालना है तो अपने इक्वेशन क्या बनाएंगे वन माइनस डी टू बाई टू का स्क्वाज वन पॉइंट जीरो फोर टू दी पावर माइनस वन यही तो होगा ना वन बाय अक्यूमेशन फैक्टर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा सर 1.04 पॉइंट जीरो फोर टू दावर माइनस वन बाई टू वन माइनस दिस होल इंटू टू इज वॉट डी टू अब इसको सॉल्व करके बताओ डी टू कितना और डी टू को नीचे डालो और इसका फाइनल आंसर निकालो फाइनल ऐसा बता दो कितना आ रहा है आंसर बताइए सब लोग फटाफट फड़। नाइन फोर नाइन फोर नाइन फोर एट पॉइंट नाइन सिक्स नाइन फोर्टी एट आ रहा है क्या हाँ हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नाइन फोर एट नाइन फोर नाइन ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आया सबका आंसर अब देखो एक चीज आज हम लोग लेवल एनविटी कंप्लीट किए हैं कल कितना तारीख है कल हम लोग करेंगे परपेचुटी सबसे पहले कर लेंगे फिर हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड एनविटी तो हम लोग का एनविटीज कंप्लीट हो जाएगा ठीक है एंड कल मैं आप लोग को एक ब्रीफिंग दूंगा इक्वेशन ऑफ वैल्यू का उसमें ऐसा कुछ बताना नहीं है इट्स जस्ट दैट एक कैलकुलेटर का ट्रिक है इंटरपोलेशन वो मेरे कैलकुलेटर वाले सीरीज वाले वीडियो में है ट्राई करना टोटल एक घंटे का है आज वो कैलकुलेटर सीरीज वाला वीडियो तुम लोग पूरा देख लो ठीक है तो ये एक चीज हो गया अब इसके बाद जो मेरे को आपको बताना है मेरा जो डेट्स है मैं आपको लिखवा दे रहा हूं और मैं क्या कराऊंगा ये भी मैं आपको रफली बता दे रहा हूं अभी जैसे ट्वेंटी फोर नाइन को अपना टेस्ट है मैं पढ़ाऊंगा भी और उस दिन टेस्ट भी है ठीक है टिल इक्वेशंस वैल्यू ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग टेस्टिंग देंगे ठीक है सो टिल वैल्यू टेस्टिंग है उसके बाद में आप लोग ये समझ लो सेवन एट मतलब सेवन अक्टूबर सॉरी एट थोड़ी होगा सेवन टेन टू थर्टीन टेन रफली एक दिन इधर उधर हो सकता है बट एक सैटरडे संडे आएगा बोलने का मतलब ये है थर्टींथ इज संडे आई फैम नॉट रॉन्ग चेक करो एक बार थर्टींथ इज संडे मोस्टर थर्टीन टू फोर्टींथ वो उसका हो गया वो बोला चेक नहीं करना है मेरे को संडे आ रहे हैं ना हुआ फोन चार्ज फोन चार्ज हुआ दस दे जाना <laughs> कल तुम कुछ और ले, करने ले तो संडे है ना तो यहां हम लोग करेंगे कंटिजेंसी का बेसिक्स कंटिजेंसी का बेसिक्स करेंगे ठीक है अच्छा एक चीज बोलना था चैप्टर्स लाइक लोन स्केड्यूल प्रोजेक्ट अप्रेजल बॉन्ड्स एंड टर्म स्ट्रक्चर ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको एकदम अच्छे से करा देंगे एप्लीकेशन पार्ट है सिंपल है एकदम कोई दिक्कत नहीं जो डाउट्स होगा वो मैं कराऊंगा ठीक है उसके बाद में ट्वेंटी वन टेन टू ट्वेंटी ठीक है हम लोग करेंगे कंटिजेंसीज के एडवांस टॉपिक्स एडवांस टॉपिक्स में आपका आता है नेट प्रीमियम रिजर्व ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व ज्वाइंट लाइफ कंपीटिंग रिस्क एंड प्रॉफिट टेस्टिंग ठीक है सो so, ऑब्वियस बात है उतना नहीं हो पाएगा बट विल डेफिनेटली ट्राई नेट प्रीमियम रिजर्व ग्रॉस प्रीमियम रिजर्व कंपीटिंग रिस्क ठीक है तो ये सब अपने ट्राई करेंगे एंड इसके बाद में आई एल बी हेयर फॉर नाइनटीन इलेवन टू ट्वेंटी फोर इलेवन हेयर आई विल बी कंप्लीटिंग द बैलेंस टॉपिक्स एंड डाउट्स

बट आप अगर करते हो यहाँ पर आके जैसे अभी भी कंसिस्टेंटली लोग बने हुए हैं तो ही आपको वो इफेक्टिवनेस दिखाई देगा एक एक चीज को करने का ना एक टाइम पीरियड होता है एक अच्छे से करने का उसको जितना खींचते जाओगे ना आगे के लिए भी खराब है आपको लेगा एक पेपर को करने में छह सात पता नहीं कितने महीने लगते हैं अभी जब हो रहे अच्छे से दो ढाई महीने में आप उसको अच्छे से करो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा उसके लिए और जहां डाउट्स होगा क्वेरीज होगा मैं हूँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना सो डेट्स गिवन ठीक है किसी का भी एग्जाम से दैट्स अंडरस्टैंडेबल बट क्लास नहीं मिस होगा ठीक है क्योंकि मिड टर्म एग्जाम्स है कोई प्रॉब्लम नहीं अभी से पढ़ाई करो थोड़ा थोड़ा करके ठीक है जाओ कल मिलते हैं बाय